उत्कृष्ट स्कूल प्रांगण में दिव्यांग जन स्वास्थ्य परीक्षण उपकरण पात्रता शिविर आयोजित किया गया। जनपद पंचायत की ओर से आयोजित इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी व एसडीएम अनिल कुमार राठौर ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर एसडीएम अनिल राठौर, भाजपा जिला महामंत्री कृष्णपाल सिंह गंगाखेड़ी, जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी ने भी संबोधित किया। शिविर में पेटलावद विकास खंड के समस्त दिव्यांगजनों को आमंत्रित कर विशेष चिकित्सकों द्वारा उनका परीक्षण किया, उनकी पात्रता निर्धारण किया गया। इस मौके पर बीएमओ डॉक्टर राहुल गणावा, नगर परिषद सीएमओ आशा भंडारी, मंडल महामंत्री संजय कहार, पत्रकार संघ नगर अध्यक्ष जितेश विश्वकर्मा, भाजपा नेता नरेंद्र पाल सिंह राठौर, पंचायत निरीक्षक ज्ञान सिंह चौहान, जनपद पंचायत से देवेंद्र सिंह पुरोहित विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जनपद पंचायत सीईओ राजेश दीक्षित ने किया। पेटलावद से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। इस शिविर में मौजूदगी में डॉक्टर होना बड़ी बात है, तो आपको हाथों हाथ यहाँ पे जांच के करने के बाद में तुरंत आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अब यहाँ अगर आप यहाँ से झापा जा रहे थे और झापा की बजाय आपको सीधा सीधा फायदा यहाँ आज इस शिविर में होगा, तो मेरा आपसे सभी सरपंच और सचिव से निवेदन है कि कोई अपने क्षेत्र में छूट ना जाए। जब हम शिविर में हम गए थे, विकास यात्रा में गए थे, तो बहुत सारी जगह काली घाटी बोला सा ऐसी बहुत सारी जगह आया था कि भाई बहुत सारे लोगों को साइकिलें मिली है और हम लोगों को साइकिलें नहीं मिली, हम लोग वंचित है। इसलिए हम लोगों ने अवगत करवाया और हमारे सीओ साहब ने कि भाई ये शिविर लगाया जाए, शिविर के माध्यम से डॉक्टरों की टीम हो और टीम यही जांच करे हमारे लोगों का, विकलांग लोगों का, और यहीं पे उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो इस प्रकार से चिंता करते हुए हमने अवगत करवाया था। वो आज इस शिविर के माध्यम से आप लोग बराबर मंत्री लोग ध्यान दे, सहायक लोग ध्यान दे और सरपंच भी किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्र के अंदर, अपनी पंचायत के अंदर, अपने गाँव के अंदर कोई भी विकलांग रह ना जाए उनको बुलाकर आप यहाँ पे जांच करवा ले, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर पेंशन नहीं मिलती होगा उसको पेंशन चालू हो जाएगा, और साइकिल ऐसे कोई वंचित है तो वो भी, बहुत सारे यंत्र है वो भी आपको यहाँ पे जिस प्रकार से जांच होगी, किसी प्रकार से कान से है, मुंह से भी कोई गुंगापन है, बेरापन है, इस प्रकार से अगर कोई विकलांग। मैं यही कहूंगा कि आप जो भी रह गए हैं उपकरण जिनको मिल नहीं सके हैं या फिर आपको जो प्रमाण पत्र चाहिए जिससे कि आप भविष्य में जो भी उपकरण वितरण होने हैं जिसका लाभ आप प्राप्त कर सकें, तो कृपया कर अगर कोई रह भी गया है अपने जान पहचान में जिसको ये उपकरण या फिर ऐसी कोई ज़रूरत है, तो आप उनको भी बताएं कि आज हमारे यहाँ कैंप लगा हुआ है, 11 बजे से कैंप लगा हुआ है और लंबे समय तक चलेगा शाम तक। तो अगर कोई छूट भी गया है नगर में हो या किसी भी गाँव में हो तो कृपया कर उनको अवगत करा दें। वैसे तो हमने पर्याप्त कराया इस चीज का, पर फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं कहीं बाहर चले जाए उस समय, तो कृपया आप उनको बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में और आए लोग और शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित हों। धन्यवाद।